हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIS इग्नू के द्वारा जो कोर्स है वो ऑफर किया जा रहा है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक आपको जरूर देखना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी बैचलर में कोर्स करना चाहते हैं तो BLIB सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही इनिशियल लेवल का है। वैसे इसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, लेकिन बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ही एक बैचलर डिग्री है। इसके अलावा आप इसमें भविष्य में करना चाहते हैं तो एम लाइब्रेरी साइंस है वो कोर्स है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अबाउट इग्नू, इग्नू यूनिवर्सिटी क्या है। देखिए, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस कोर्स ऑफर कर रही है, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है, NEC द्वारा A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर के जरूर विजिट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि दिस प्रोग्राम है वो कंप्राइजेज ऑफ 9 कोर्सेज ऑफ विच 5 कोर्सेज यानी ये सब्जेक्ट्स हैं आप देखिए आर हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट एंड 4 कोर्सेज जो भी है LI 221, 222, 223 एंड B 226 है आर थ्योरी बेस्ड कोर्सेज, और इससे पहले जो है 224, 225, 227, 228, 229 आर प्रैक्टिकल बेस्ड। यानी दिस प्रोग्राम इज करंटली बीइंग ऑफर्ड इन इंग्लिश मीडियम ओनली, हाउएवर द स्टूडेंट्स कैन राइट देयर असाइनमेंट एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि भई ये अगर आप लाइब्रेरी के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो BLIB कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन इसके अंदर एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो देखिए, बैचलर डिग्री जिस भी कैंडिडेट्स ने किसी भी स्ट्रीम के अंदर बैचलर डिग्री को किया हुआ है विद 50% मार्क्स एंड 45% फॉर जनरल एंड फॉर द SC ST OBC PS कैटेगरी रेस्पेक्टिवली, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज हो सकता है थोड़ा वेरी कर रहा है, चाहे कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स, अदर कैटेगरी 45% मार्क्स, या आपने बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है 1 ईयर का तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री विद 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है तो भी आप मीडियम ऑफ इस तरह है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, आप ये कोर्स है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बी लाइब्रेरी कोर्स करने के बाद में आपको एम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना होता है, इन दोनों कोर्स को करने के पश्चात आपके पास में 2 टाइप के ऑप्शन रहते हैं, एक टीचिंग का, एक नॉन टीचिंग का। यानी जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के अंदर लाइब्रेरी आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप नॉन टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरी अटेंडेंट, एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट या असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन का आपको जॉब है वो मिल सकता है, अगर आपने BLIB या MLIB में से कोई भी कोर्स किया हुआ है तो। दूसरी, अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आप ये कोर्स करने के पश्चात में टीचिंग की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट हो सकती हैं तो भी आप वो कोर्स है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक थी कंप्लीट जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।